नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित अष्टमी कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत बाग 3 के तृतीय अध्याय बस की यात्रा व्यंग्य जो हरिशंकर जी प्रसाई द्वारा लिखित है के कुछ अंशों का अध्ययन किया था। उन अंशों में बताया गया कि कैसे प्राइवेट बसों के मालिक सड़कों पर जर्जर एवं खटारा स्थिति वाली बसों को दौड़ाते हैं और उनमें बैठे यात्रियों की जान माल की उनको कोई चिंता नहीं रहती। उसी बस से लेखक भी सफ़र कर रहे थे और उनके दोस्त भी उनके साथ में थे तथा उसी बस में उस बस के हिस्सेदार भी बैठे थे। तो लेखक ने उनसे बातचीत की, तब हिस्सेदार ने कहा कि ये बस चलती है और अच्छी तरीके से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उससे आगे एकाएक अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक जिस बस में बैठे थे उस बस की जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें छेद हो गया। तब ड्राइवर ने पेट्रोल को निकालने का प्रयास किया और उसे वापस इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कहते हैं कि जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि अब बस कंपनी के हिस्सेदार है वो पेट्रोल की टंकी को अपनी गोद में रख लेंगे और उसको जिस प्रकार माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसी प्रकार उसे भी पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील की हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कहते हैं कि पेट्रोल की टंकी में छेद होने के बाद बस जब पुनः चली तब बस की रफ्तार है वो बहुत ही धीमी हो गई थी और मुझे अब बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है, बस का स्टीयरिंग टूट सकता है। दूसरी तरफ प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक कहते हैं कि बस सड़क पर चल रही थी, दोनों तरफ सड़क के पेड़ थे। जैसे ही पेड़ आता तो मुझे लगता कि बस इससे टकरा जाएगी। बस जब झील को पार करती तब ऐसा लगता कि बस झील में गिरेगी और उसमें गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, कि बस तो बहुत ही अच्छी है, यह तो इत्तफाक की बात है। इत्तफाक का अर्थ होता है संयोग। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें लानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत, प्राणांत का अर्थ होता है अंत, मृत्यु हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। अब बस दोबारा चली लेकिन इतनी धीमी हो गई कि लेखक को लगा कि अब ये बस हमें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगी।
जो भी गाड़ी आती तब वह किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। बस ऐसी थी कि अब वह सड़क पर चलने लायक नहीं थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। लेकर कहते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार उसी बस में थे। बस बार बार रुक रही थी, कभी पेट्रोल की टंकी में छेद हो रहा था, कभी कुछ भी हो रहा था, और इस बार तो टायर भी पंचर हो गया। लेकर कहते हैं कि बस कंपनी के हिस्सेदार को यह पता था, लेकिन उन्होंने टायर बस का बदलवाया नहीं, बल्कि उसी घिसे हुए टायर को लेकर के बस चला रहे थे। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेकर कहते हैं कि बस का टायर बदल गया, उसके बाद बस पुनः चली, लेकिन अब हमने निश्चित समय पर अपने घर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये बस हमें समय पर गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए हम बिना चिंता किए और हंसी मजाक करते हुए बस में बैठे रहे। हरिशंकर जी परसाई का ये व्यंग्य था, जो उन बस मालिकों के लिए है जो खराब हालत की बसों को भी सड़कों पर दौड़ाते हैं, यात्रियों को बैठाते हैं और यात्रियों की जान माल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते। इस पाठ के बचे हुए शब्दार्थ जो पिछले ऑनलाइन कक्षा में आपको नहीं बताए गए थे, वो अब आपको बता रहा हूं। बॉडी, ढांचा, भेदभाव, अंतर करना या फर्क करना, पेट्रोल, एक ज्वलनशील व ऊर्जा वाला तरल पदार्थ, बगल, बाजू या पास में, नली, पाइप, उम्मीद, आशा या कुछ होने की संभावना। शीशी, बोतल, भरोसा, विश्वास, लुभावना, मनभावन, ललचाऊ, आकर्षक, दुश्मन, शत्रु या रिपु, गोता, डुबकी पानी में, उत्सर्ग, त्याग, किसी वस्तु को छोड़ देना, दुर्लभ, कठिन या मुश्किल से प्राप्त, साहस, हिम्मत, उपयोग, काम में लाना, प्रयोग, बाहें पसारे, स्वागत करने को तैयार, प्रयाण, जाना या प्रस्थान, बेताबी, व्याकुल, तनाव, मानसिक दबाव, इत्मीनान, निश्चित, चिंता रहित, तरकीबें, योजनाएं, तरीके, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया, उत्तम, इत्तेफाक,
संयोग। क्षीण, कमजोर, जर्जर, मध्यम। दयनीय, दया दिखाने योग्य। वृद्धा, बुढ़िया। अपने आप पर शर्म महसूस होना। प्राणांत, मृत्यु। बियाबान, सुनसान या जंगल। अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाकर्म। पुलिया, नदी या नाले के ऊपर बना आने जाने का रास्ता। श्रद्धा भाव, आदर भाव। इस प्रकार से शब्दार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। पाठ समाप्त हुआ। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस पाठ के मध्य से बने प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।